हाथ से आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने किया मतदान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जलालपुर कला बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। अमरोहा से बड़ी खबर इस वक्त की, जलालपुर कला बूथ पर मतदान उन्होंने किया है। आपको बता दें बेहद कड़ा मुकाबला अमरोहा सीट से देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी बनाम बसपा ये पूरा चुनाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें मौजूदा यहां पर जो है बीजेपी के सांसद हैं, और एक बार फिर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद कुंवर सिंह तंवर पर ही दांव लगाया हुआ है। वहीं अगर इनके सामने देखा जाए तो जेडीएस से बसपा में जेडीएस से आए कुंवर दानिश भी मैदान में है, यानी कि कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी और बसपा के बीच में साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं इस सीट से अमरोहा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस ने सचिन चौधरी पर यहां पर दांव खेला हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण अमरोहा का ये चुनाव, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद कुंवर सिंह तंवर ने मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है, वोट डाल चुके हैं वो। और मुख्य मुकाबला अगर सीट पर कहा जाए तो बीजेपी बनाम बसपा ये पूरा चुनाव नजर आता है, क्योंकि यहां से बसपा ने जेडीएस से आए कुंवर दानिश को मैदान में उतारा हुआ है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, सचिन चौधरी पर दांव यहां पर कांग्रेस पार्टी ने खेला हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण अमरोहा का ये चुनाव। मैंने अपने जीत का दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया और 20 दिन जो मेहनत करी, आज हमें नतीजा लोगों से नजर आ रहा है। माननीय मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री लोग बना रहे हैं। किससे फाइट मान रहे हैं आप? कोई फाइट नहीं है हमारे यहाँ, गठबंधन से भी फाइट ना गठबंधन है ही नहीं कहीं। वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कर्नाटक का रहने वाला है। जो कर्नाटक का रहने वाला है वो जनता क्या सेवा करेगा, मैं इनके बीच में रहता हूँ। सांसद जी, पिछली बार आप 158,000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या उम्मीद? 2,00,000 प्लस। विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ पर नहीं रहते हैं। मैं यहीं रहता हूँ 2011 से, और होटल से चुनाव लड़ा रहा है, होटल में ठहरता है, मैं अपने घर में ठहरता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।